Let's continue on business law unit 3 contract of creation of agency lecture number 2. Now we goes on continues on modes of creating agency. आप एजेंसी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? सिंपल टॉपिक है. एजेंट एजेंसी मे बी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे. नंबर 1 बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट. नंबर 2 बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट. नंबर 3 बाय रेटिफिकेशन. एंड नंबर 4 बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. 4 तरीके से आप एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं. नंबर 1 बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट व्हेन द अथॉरिटी गिव द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट इज एक्सप्रेसली मेंशन बाय स्पोकन और रिटन वर्ड. स्पोकन और रिटन वर्ड. सच कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट. By such authority, the agent can bind. Bind का मतलब बंधारण में रखना. प्रिंसिपल by his act, provided act that have been done within the scope of his authority. The contract of agency may be oral or in written. मगर generally business में agency के contract oral ही होते हैं. But we all know oral agreement are legally or not really recognized by the law. So it is the most usual form that any contract of agency should be within the in written. Clear? Written mein hoga to chalega. Number 2, by implied agreement. Implied agreement ka matlab kya hota hai? Agency may be result of implied agreement. Implied agency arise from the conduct of the parties or situation. Implied का मतलब बोलने की जरूरत नहीं है. इंसान कैसे फील करता है, कैसे सिचुएशन के सामने रिएक्ट करता है और सामने वाली पार्टी के साथ आपका रिलेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसके अंदर 3 चीज आती है. नंबर 1 एजेंसी बाई स्टॉपल, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. एंड नंबर 3 एजेंसी बाय नेसेसिटी. 3 अलग अलग पॉइंट बताए. एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एंड नंबर 3 एजेंसी बाय नेसेसिटी. अब एजेंसी बाय स्टॉपल क्या है? तो एजेंसी बाय स्टॉपल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझना कि कोई थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप भी एजेंट हो, जो कि रियली में आप एजेंट नहीं हो. थर्ड पार्टी को लगता है कि आप एजेंट हो बट रियली में आप एजेंट नहीं हो, तो उसको बोला जाता है एजेंसी बाय स्टॉपल. देखो लिखा हुआ है, एजेंसी बाय स्टॉपल अराइजेस वेयर अ पर्सन बाय हिज वर्ड और कंडक्ट, वर्ड और कंडक्ट इंड्यूस थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट, इंड्यूस थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट सर्टन पर्सन इज अ एजेंट. In this, the person who induced so cannot deny the fact of agency. Example पढ़ो, automatic समझ में आ जाएगा. A, Mr. A, tell B in presence of C that he is C's agent. A, B की present में बोलता है C को, C की present में बोलता है कि उसका agent है. C does not take any objection against statement. दोस्त हो गए तो C ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सी चुपचाप बैठे रहा. लेटर ऑन बाद में बी सप्लाई गुड्स टू ए. बी ने क्या करा? ए को गुड्स सप्लाई करा. क्या समझ के सप्लाई करा? कि भाई ए इज एजेंट ऑफ सी, तो इन दिस केस सी इज लायबल टू बी फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स सप्लाई टू ए. समझ में आया कि भाई जब सामने वाला ए वाला तुम्हारे सामने ही मिस्टर तौसीफ सर, मिस्टर तौसीफ सर के सामने ही बोल दिया था कि भाई ये मेरा एजेंट है, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो अगर किसी ने गलत काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली अपने ने पढ़ा था कि एजेंट के हर एक्ट पे जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल. क्लियर? तो इसको बोलते हैं एजेंसी बाय स्टॉपल.
दूसरा आता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, तो ये भी एक जात का स्टॉपल है। द रूल्स आर एप्लीकेबल, सेम चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, द सर्विस ऑफ ए हु वॉज पी एजेंट वॉज टर्मिनेटेड, होल्डिंग आउट का मतलब निकाल दिया था, बट हावेवर पी डिड नॉट गिव नोटिस टू द इफेक्ट, लेटर ऑन ए परचेज सर्टन गिफ्ट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आई, हियर पी वॉज लाइबल टू पे द प्राइस, क्योंकि कॉमन एजेंट के हर काम पे प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। थर्ड वन इज एजेंसी बाय नेसेसिटी, यानी जरूरत के समय तुम एज एजेंट के तौर पे काम कर लोगे तो उसको बोला जाता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। देखो क्या दिया गया है, ध्यान देना, क्या दिया गया है ध्यान देना, इन सर्टन सिचुएशन लॉ गिव्स एन अथॉरिटी टू पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर अनदर विदाउट टेकिंग हिज कंसेंट, सामने वाले की इच्छा पूछे बिना, मगर कब, जरूरत के समय। सच एजेंसी इज कॉल्ड एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब इसके केस देखो तो देखते, एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मैंने, एजेंट ने हर प्रकार की कोशिश की प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करने की, हर तरीके से ट्राई करा मगर कांटेक्ट नहीं हो सका, और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो सिचुएशन इमरजेंसी थी, तो वहाँ पे मैं एजेंट ने प्रिंसिपल समझ के डिसीजन ले लिया, तो इसको बोला जाता है एजेंसी इन नेसेसिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्लियर, देखो लिखा हुआ है, इन इमरजेंसी व्हेन एन एजेंट परफॉर्म सर्टन एक्ट फॉर व्हिच ही हैज नो अथॉरिटी, देन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी अराइजेस इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। देखो मैंने बताया था, ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल, कम्युनिकेट नहीं हो पाया, या तो ही हैड टेकन ऑल नेसेसरी स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मैंने हर तरीके से कोशिश करी, तो ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट प्रिंसिपल बन के इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन ले सकता है। नंबर टू, अ पर्सन एंट्रस्टेड विथ अनदर प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मोर्चा है कि भाई किसी को लंबे नुकसान से बचाना हो, जिसे एन एजेंसी बाय नेसेसिटी ऑल्सो अराइज व्हेन अ पर्सन इज एंट्रस्टेड विथ सम प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन विच ही हैज टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व, प्रोटेक्ट बचाने के लिए, इन सच केस द पर्सन कैन डू ऑल दैट विच आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व द प्रॉपर्टी इवन ही हैड नो सच ऑथोरिटी, भले उस पर उसकी ऑथोरिटी ना हो, मगर किसी को लंबे नुकसान से बचाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की खामी से बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को लंबे नुकसान के बचाने के लिए उसने ये डील करा एजेंट तौर पे, तो इसको बोला जाएगा एजेंसी इन नेसेसिटी। क्लियर, एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, पढ़ लेना। फिर तीसरा आता है हस्बैंड एंड वाइफ, किसके अंदर नेसेसिटी के अंदर, तो क्या आता है, अ हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ, सीधी बात है, शादी करके लाए तो वाइफ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, खाना पीना सब देना पड़ेगा, इफ ही डज नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर हिज मेंटेनेंस सी इज एंटाइटल्ड टू प्रीज हिज क्रेडिट फॉर नेसेसिटीज, यानी कुछ भी गिरवी रख के भी पूरा करना पड़ेगा, मगर ये शर्त कब है, वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टूगेदर, जब दोनों साथ में रहते हो, बट हावेवर If wife leaves away from her husband out of her own will, husband ने नहीं भेजा है, wife अपनी इच्छा से दूर रहती है, तो ये संजोगों में husband की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारा हुआ implied agency, यानी बोलने की जरूरत नहीं है, situation के मुताबिक automatic आपको agency principal agent का relation निभाना पड़ेगा। तीसरा आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन क्या है, ये भी हम ऑलरेडी यूनिट टू
डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसमें सही तरीके से पढ़ चुके। अ पर्सन में एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, इन सच केस द प्रिंसिपल में एक्सेप्ट द एक्ट और रिजेक्ट इट। इफ प्रिंसिपल हैज एक्सेप्ट द एक्ट ऑफ एजेंट विदाउट हिज कंसेंट, इट इज सेड दैट प्रिंसिपल हैज रेटिफाइड द एक्ट एंड सच एजेंसी इज नोन एज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। यानी जैसा ही एजेंट ने बोला उसके टर्म्स कंडीशन पे कुछ करे बिना मैंने हाँ बोल दी, हाँ भाई तू बोलता है बराबर है, तू बोलता है सही है, तो उसको बोला जाता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन विदाउट इट कंसेंट। ध्यान देना इफेक्ट क्या है, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में इफेक्ट नहीं है। क्लियर? छेला पॉइंट आता है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कायदे कानून से तैयार करना। समटाइम एजेंसी अराइजेज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंपनी इज प्रमोटेड, जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो जो प्रमोटर्स होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, एजेंट ही बोला जाएगा ना। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, सीधी बात है। In such case, agency arises by operation of law. तो ये चार तरीके से आप एजेंसी को क्रिएट कर सकते हो, by express agreement, number two by implied agreement, number three, क्यों agreement बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि agency is created by agreement, not by contract. तीसरा आता है agency by ratification, और चौथा आया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं तो कंपनी में जो ओनर्स होते हैं प्रमोटर्स होते हैं उनको एजेंट भी बोला जाता है ना, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को एजेंट भी बोला जाता है फर्म का। क्लियर? अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एजेंट, कितने प्रकार के एजेंट है, सिर्फ लर्न नहीं करना है पढ़ लेना है। स्पेशल एजेंट किसको बोलते हैं, तो स्पेशल एजेंट इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म स्पेशल एक्ट, किसके लिए, कोई स्पेसिफिक मकसद के लिए बुलाया है या तो कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए बुलाया है। एग्जांपल बहुत अच्छा है, एन एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल अ हाउस, उसका काम खाली मकान बेचने तक, दूसरे कोई कामों में ध्यान नहीं, तो उसको बोलते हैं स्पेशल एजेंट। नंबर टू जनरल एजेंट, अ जनरल एजेंट इज अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू डू ऑल द एक्ट विच आर कनेक्टेड विद बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, हमारी बिजनेस की पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर की हर जिम्मेदारी है, उनका राइट्स है, उनकी ड्यूटीज है, बुक्स चेक करना, हिसाब चेक करना, चेक साइन करना, डिसीजन लेना, मीटिंग करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना। तो जो एजेंट हर काम में रेडी होता है बिजनेस के ट्रेड कॉमर्स या प्रोफेशन के रिलेटेड, उसको बोला जाता है जनरल एजेंट। जो छिल्ला आता है यूनिवर्सल एजेंट, तो यूनिवर्सल एजेंट इज वन उस ऑथोरिटी टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल अनलिमिटेड, जिसकी जिम्मेदारी किसी है अनलिमिटेड है, यानी कोई सीमा ही नहीं है। ये इज ऑथोरिटी टू बाइंड इस प्रिंसिपल बाय एनी एक्ट विच इज लीगल एंड एग्रीसिबल बाय द लॉ ऑफ लैंड, यानी कायदे कानून में जो जो हमको बताइए। क्लियर? अभी इसकी कोई जरूरत थी, ऑक्शनर का मतलब ऑक्शन करने वाला ब्रोकर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी रहता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पी टॉपिक है। ड्यूटीज क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट, तो नंबर वन जो ऊपर पड़ा है, एक चीज बार बार रिपीट होती है, टू कैरी आउट द वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। पहली एजेंट की ड्यूटी यही होती है कि जो प्रिंसिपल ने उसको बोला है उसके मुताबिक उसकी दिशा में उसके कहने के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट
टू कैरी आउट द वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ हिज प्रिंसिपल इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन ही मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टम विच इज प्रिवेलिंग इन द बिजनेस वेयर ही कंडक्ट द बिजनेस इफ ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड इफ देयर इज लॉस मेरे कहने के मुताबिक काम नहीं करा ने उसके वजह से नुकसान हुआ देन एजेंट मस्ट कंपेंसेट लॉस टू प्रिंसिपल तो उस समय एजेंट की जिम्मेदारी है कि जितना भी नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई करे तो पहली ड्यूटी होती है दूसरी ड्यूटी क्या है टू कैरी आउट वर्क विथ रीजनेबल केयर स्किल एंड डेलीजेंस रीजनेबल केयर स्किल एंड डेलीजेंस क्लियर यानी केयर में रखे ध्यान देके उसको सही तरीके से काम करना है इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू कैरी आउट द वर्क विथ रीजनेबल के जो काम दिया जाता है वो सही तरीके से सही दिमाग लगा के सही नॉलेज से करना है जैसे वो खुद के लिए करता हो विच ही कुल टेक केयर ऑफ हिज ओन अगेन ही इज लायबल टू कंपेंसेट एनी लॉस विथ डायरेक्टली अराइज ड्यूटीज नेग्लेक्ट मेरे ध्यान ना देने से मेरे काम ना करने से मेरे सही तरीके से ध्यान से वर्क ना करने से अगर कुछ नुकसान होता है तो अगेन वही कंडीशन बोलती है कि जो भी लॉस होगा प्रिंसिपल वो लॉस की मेरे पास से भरपाई करवा सकता है क्योंकि मिसकंडक्ट हो गया क्लियर नंबर थ्री टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट बेसिकली जनरली एजेंट को इतना सब काम नहीं दिया जाता मगर बता दिया है कि अगर तुमको प्रिंसिपल ने हर प्रकार का काम दिया है तो जो ट्रू फिगर्स है ट्रू अमाउंट से ट्रू नंबर से सही नंबर से वही बताना है इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट एंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड नंबर फोर नंबर फोर टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी ये पॉइंट नंबर वन और टू से रिलेटेड है कि अगर कोई काम ऐसा टिपिकल आ गया जहाँ मुझे समझ नहीं पड़ रही है जहाँ पे मेरा नॉलेज नहीं हो रहा है इसीलिए बताया डेलीजेंस केयर रीजनेबल स्किल्स डेलीजेंस इस्तेमाल करो कि अगर जहाँ पे मुसीबत आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम डायरेक्टली डिसीजन मत ले लो आपको प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है तो आप उससे कम्युनिकेट करो उसकी इंस्ट्रक्शन लो उसकी कंसेंट लो उसके बाद तुम करो अगर तुम ऐसा नहीं करते ने कुछ नुकसान हो जाता है तो अगेन सेम पॉइंट एजेंट को वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी देखो लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिफिकल्टी और इमरजेंसी इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल एंड टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन इफ ही फेल टू डू सो ही इज लायबल फॉर द लॉस पॉइंट नंबर फाइव नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट बहुत 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 बड़ा पॉइंट बताया नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट बाय एजेंट हैव टू वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल तो वो खुद के नाम से खुद के अकाउंट से खुद के नाम से खुद के तरीके से किसी के साथ बिजनेस के बाहर वालों के साथ डील नहीं कर सकता बराबर इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट नॉट टू डील on his account in the business of agency without consent of principal this means he should not make any profit from the business of his agency if the agent deal on his own account without the consent of principal then principal can reject the transaction clear and he can claim the agent any benefit or profit विथ एजेंट हैज मेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन यानी मैं तुम्हारे पे एक चीज है तुम गलत नहीं कर सकते पॉइंट नंबर सिक्स टू पे द सम रिसीव फॉर द प्रिंसिपल जैसे मैंने ऑलरेडी बताया एजेंट वो इंसान होता है जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है तो अगर थर्ड पार्टी ने आपको कुछ पैसा दिया है तो वो पूरा के पूरा पैसा मुझे प्रिंसिपल को पे कर देना है देखो इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू पे ऑल द सम which he has received for principal for this amount he may deduct all money due to himself हाँ ये कर सकता है कि उसका जितना निकलता है वो ले ले बाकी का पैसा दे दे चाहे वो एडवांस हो
चाहे प्रॉपर्टी का एक्सपेंस हो, रेम्यूनरेशन हो, एक्टिंग एज एन एजेंट. क्लियर. नंबर सेवन, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ और इनसॉल्वेंसी. बहुत 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 काम का पॉइंट है कि इन केस ऑफ डेट ऑफ प्रिंसिपल, अगर मेन प्रिंसिपल मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, और या तो ही बिकम अनसाउंड, अगर वो पागल हो जाता है या इनसॉल्वेंट हो जाता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप. तो यहाँ पे एजेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि हर तरीके का प्रोसेस करे, हर तरीके की काम करे, जिससे प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रिजर्व करके रखा जा सके. पॉइंट नंबर एट, नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल. जैसे व्हेन द एजेंट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन इन कोर्स ऑफ एजेंसी, अगर कोई माहिती मिलती है, इट इज द ड्यूटी टू पास ऑन द प्रिंसिपल. जिम्मेदारी है कि जो मेरे पास माहिती आई वो मेरे प्रिंसिपल, मेरे सर, मेरे बॉस को ट्रांसफर कर दो. ही शुड नॉट यूज दिस इंफॉर्मेशन अगेंस्ट, मगर ये इंफॉर्मेशन का मुझे गलत इस्तेमाल नहीं करना. अगेन, इफ ही डज सो एंड प्रिंसिपल सफर अ लॉस, ही इज टू लायबल टू कंपनसेट द लॉस. अगर कुछ नुकसान होता है तो इसको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर नाइन, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी. वो भी हमने आगे ही पढ़ा है कि भाई कोई अंदर का नाम पे अकाउंट नहीं लिख सकता, जो भी पैसा आता है रिफर कर देना है. क्लियर. पॉइंट नंबर टेन, जरूरत नहीं है. हाँ, पॉइंट नंबर इलेवन, पॉइंट नंबर टेन की कोई जरूरत नहीं है. Not to put himself in a position where interest and duty conflict. यानी एजेंट को ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं डालना है कि जहाँ पे कोई जात का झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की संभावना हो. और एजेंट हैज टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल. सो ही मस्ट नॉट पुट हिमसेल्फ इन अ पोजिशन वेयर हिज ड्यूटी एंड पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट. यानी ऐसे कोई मुलझावड़ में, ऐसी कोई सोच में, ऐसी कोई जगह नहीं डालना है जिससे प्रिंसिपल को कोई तकलीफ हो. नंबर 12 हो तो हमने ऊपर पहले ही पढ़ा राइट से कि एजेंट अपना ऑथोरिटी किसी को नहीं दे सकता. पढ़ा था ना सब एजेंट के अंदर, एज अ जनरल रूल एन एजेंट के नॉट डेलीगेट हिज ऑथोरिटी टू अनदर पर्सन. दिस मीन्स ही के नॉट अपॉइंट सब एजेंट सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट एक्सेप्शन. क्लियर. ये हुई ड्यूटीज. इसी तरह आते राइट्स. राइट्स सबके कॉमन है कि भाई एजेंट को इतनी सब टेंशन दी तो उसको कुछ ना कुछ अधिकार भी तो दिए. तो नंबर वन, राइट ऑफ रिटेनर. रिटेनर का मतलब जैसा अगर एजेंट को आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फॉर प्रिंसिपल 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल को मिले, तो एजेंट में रिटेन ऑल द मनी ड्यू टू हिमसेल्फ. ऑल द मनी का मतलब पूरा पैसा नहीं, ऑल द मनी ड्यू टू हिमसेल्फ. यानी उसका जितना पैसा निकलता है 1,00,000 में, सपोज 12,000 रुपए मेरे है, चाहे वो मेरा रेम्यूनरेशन हो, चाहे मेरा एडवांसिस हो, के चाहे मेरा खर्चा जो किया हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड, वो पैसा मैं निकाल के एजेंट को रिटर्न कर दूंगा. यानी मेरे पास इतना पावर है कि मैं अपना हिस्सा निकाल के रख सकता हूँ. नंबर टू, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन. सीधा ही है कि कोई भी एजेंट मुफ्त में तो काम करेगा नहीं. वेयर द सर्विस रेंडर बाय एजेंट आर नॉट वॉलेंटरी, ही हैज अ राइट टू रिसीव एग्रीड रेम्यूनरेशन इफ और देर इज नो एग्रीमेंट अ रीजनेबल. बराबर, अगर एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में नक्की हुआ है वो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जो बनता है रूल्स के मुताबिक उसके हिसाब से वो क्लेम कर सकता है. नंबर थ्री, राइट ऑफ लीन. लीन का मतलब अगेन कब्जा, कि जब तक मेरे को मेरा ओनर प्रिंसिपल पगार नहीं देता, मेरा पेमेंट पूरा नहीं करता, देखो लिखा हुआ है, तो वो एजेंट की बुक्स, गुड्स, पेपर्स, प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसका कब्जा अपने पास रख सकता है. नंबर फोर, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन. यानी इंडेमनिटी पढ़ा था. An agent has a right to be indemnified by the principal against the charges, expense and liability
विच आर प्रॉपरली इनकर्ड बाय हिम इन कोर्स ऑफ एजेंसी। नेमने का मतलब वही नहीं कि कोई नुकसान होता है तो भरपाई करनी पड़ेगी, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो जो काम एजेंट ने कराए, जो जो एक्सपेंस करे, तो एजेंट वो एक्सपेंस की भरपाई मांग सकता है। राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं रेम्यूनरेशन में। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज का मतलब रोकना, ट्रांजिट का मतलब ऑन द वे। दिस राइट इज अवेलेबल टू एजेंट इन फॉलोइंग टू केस। नंबर वन, इफ ही हैज बॉट गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आइदर विथ हिज ओन मनी और बाय इंकरिंग पर्सनल लायबिलिटी। खुद का पैसा लगा के ले लाया है, खुद के पैसे से खरीदा है गुड्स धंधे के लिए, या तो खुद की पर्सनल लायबिलिटी, तो वो रस्ते में वो माल को रोक सकता है। कब तक? जब तक प्रिंसिपल वो पैसों का पेमेंट नहीं कर देता, जब तक प्रिंसिपल वो पेमेंट नहीं कर देता। एंड इफ एजेंट इज पर्सनली लायबल टू प्रिंसिपल फॉर द गुड्स एंड इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट, समझ में आया कौन, बायर बिकम इंसॉल्वेंट, ही हैज अ राइट टू स्टॉप इज इन द ट्रांजिट। अगर बायर नादाल हो जाता है तो वो संजोगों में भी एजेंट माल को रोक सकता है। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 3 कंप्लीटली ओवर।